खुशी मैंने तुम्हें कल चौक पे देखा, तुम ये लड़के से बहुत ही क्यूट लग रही थी। और मैंने पता है क्या क्या बोला वहां पे, बोला कि मैंने तुम बहुत अच्छी हो, गप्पे खाएंगे, गप्पे लड़ाएंगे। इसके बाद मैंने बहुत कुछ बोला, और पता है डरेंगे हम वहां पे जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और बड़ा मजा आएगा ना, नहीं लड़ेंगे हम लड़ लड़ और सब थे, इतना मजा आएगी क्या पता, को पता ही नहीं चला। तो डरे अपने बेटियों हम शुरू करते हैं, तो क्या हुआ हमारी बात मानेंगे, इसलिए हम सबसे हम लोग शुरू करने जा रहे हैं काम से करने लौड़ने का। और इसके बाद लौड़ के क्या करेंगे उसके बाद लौड़ने। चिंटू अब लगेगी तेरी वाट। क्यों क्या हुआ? और रही वाट की बात, तो साले तुझे 440 फुट का चक्कर। अच्छा बच्चू, जो बात मैं तुझे बताने वाला हूँ उसे तुझे 540 फुट का झटका लगेगा। अच्छा अच्छा वैसे बात क्या है? तेरी गर्लफ्रेंड अब तुझसे न बात करेगी न मैसेज करेगी। सारे मेरी गर्लफ्रेंड को बुलाई मारा है, रुक झगड़ो मगर मत करो, अरे आओ हाथ में खुजली हो रही है। अरे रुक 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 रुक, मैं तेरी गर्लफ्रेंड को लाई हूँ, कुछ नहीं किया यार। तेरा सिम और उसका सिम कार्ड बंद होने वाला है। अबे चुप कर, और ये राव भाई जो बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुन और उसे फॉलो कर। ओके तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल। भाई जो घटना चिंटू के साथ होने वाली है वो आपके साथ भी हो सकती है। जी हाँ भाई, अगर आपका सिम कार्ड पुराना है और आप डॉक्यूमेंट में पहचान पत्र या कुछ और पत्र लगाए हुए हैं, तो दोस्त आपका सिम बंद होने वाला है। अभी जाओ रिटेलर के पास और अपने सिम कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाओ। और जो भाई लोग इस बात को जानते हैं उनकी तो वाओ क्या बात है भाई, और जो लोग नहीं जानते तो भाई जल्दी करवा लो, टाइम बहुत कम है। क्योंकि 2018 तक आपका सिम कार्ड बंद हो जाएगा। तो भाई सिंपल सा प्रोसेस है, सिम कार्ड का नंबर उठाओ और जिसके नाम पे सिम है उनको ले जाओ और फिंगरप्रिंट्स वगैरह वगैरह देकर अपने सिम से आधार कार्ड लिंक करवा लो, उसके बाद आपका सिम बच जाएगा। बिहार के लाला।